अगर कुछ लोग यहाँ पे हैं तो मुझे हाय या फिर कुछ इस तरीके से बता दीजिए ताकि मुझे आपकी अवेलेबिलिटी पता चले कि हाँ आप लोग हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ही हम इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके चलिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द गेट एकेडमी। हम इस सेशन में सीआरओ का, यानी इससे पहले जो सेशन हुआ था हम सीआरओ वहां पे देख चुके थे, यानी सीआरओ पे वो किस वे में वर्क करता है हमने इससे प्रीवियस वाले सेशन में हमने वहां पे देखा। उसके अंडर में हमने ये देखा कि सीआरओ जो है आपके दो मोड पे काम करता है। ठीक है, फर्स्ट मोड क्या था आपके पास? वाईटी मोड, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका एक्स, उसी को बोलते हैं हम लोग स्वीप मोड। ठीक है, सेकेंड क्या है आपके पास? एक्स वाई मोड। दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए वो फिर से हम दोबारा यहां पे देख लेते हैं। आपके पास वाईटी मोड या फिर स्वीप मोड, उसमें क्या था कि एक अननोन टेस्ट सिग्नल है आपके पास या फिर एक अननोन सिग्नल है जो आप वाई टर्मिनल पे, सीआरओ के वाई टर्मिनल में आप अप्लाई करते हो, और आप जो हॉरिजॉन्टल इनपुट जो रहता है उसमें क्या अप्लाई करते हो आप? रैंप सिग्नल। तो जब आप दोनों को जब आप अप्लाई करोगे अपने सीआरओ के टर्मिनल में तो आपको क्या होगा? अननोन जो सिग्नल होगा उसका जिस तरीके से वेवफॉर्म होगा वो आपको सीआरओ स्क्रीन में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने इससे पहले जो सेशन हुआ था हमने वहां पे ये चीज देख लिया। ठीक है, इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो सेकेंड मोड था दैट इज एक्स वाई मोड, तो इसमें क्या हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पास अगर एक अननोन सिग्नल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसका फेस, समझ में आ गया? उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसका फेस क्या होगा हमें किस मोड से पता चलेगा? एक्स वाई मोड से। तो आपको याद रखना है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सीआरओ के चैप्टर से, दैट मींस फ्रॉम द मेजरमेंट सब्जेक्ट एंड चैप्टर इज सीआरओ। तो यहाँ पे दो जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ये है कि आपको एक्स वाई मोड में क्या चीज मेजर कर सकते हो, एक्स वाई मोड से आप क्या मेजर कर सकते हो। तो पहला क्या होगा आपके पास? फेस एंगल हम मेजर कर सकते हैं अननोन टेस्ट सिग्नल का, और दूसरा क्या है? अननोन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम मेजर किस तरीके से करेंगे वो भी हमको एक्स वाई मोड से पता चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे पहले ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास इस कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है। ठीक है, अ डीसी वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट एंड एसी वोल्टेज सिग्नल ऑफ 2 sin 100 t आर अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट ऑफ एन ऑसिलोस्कोप फुल स्टॉप, द रिजल्टिंग वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस क्या हुआ, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, डीसी वोल्टेज मैंने लिया है और एक साइनसोइडल सिग्नल मैंने यहां पे लिया है। तो साइनसोइडल सिग्नल हमने पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन डीसी सिग्नल हमने इससे प्रीवियस सेशन में कभी किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिया। तो यहां पे ये चेंजेस है कि हम यहाँ पे रैंप नहीं अप्लाई करके क्या अप्लाई कर रहे हैं? डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज कहां पे अप्लाई किया मैंने? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टर्मिनल में, और आपके पास वर्टिकल में क्या अप्लाई किया है मैंने? साइनसोइडल सिग्नल। ठीक है, आप दोनों को यहाँ पे अपने सीआरओ स्क्रीन पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, और आपको ये फाइंड करना है कि उसका रिजल्टिंग या फिर जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म बनेगा वो आपको किस तरीके से बनता हुआ दिखेगा अपने सीआरओ में। तो नेक्स्ट जो भी सेशन होगा हमारे पास, तो मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए कि सर वो एल्यूस बन रहा है या एग्जैक्टली साइनसोइडल बन रहा है या फिर कुछ और वेवफॉर्म आपको बनता हुआ वहां पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में मुझे इसका आंसर चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास जो सेकेंड मोड था दैट इज एक्स वाई मोड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपके पास काफी इजी हो जाए क्वेश्चन को, मतलब कि टाइम भी हमारे पास ताकि सेव हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो गेट हो, आरआरबी हो या फिर एसएससी हो, तीनों के लिए क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है सीआरओ काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें जो सेकेंड मोड था वो मैंने क्या बताया था आपको? दैट इज एक्स वाई मोड। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं? इट इज यूज्ड टू मेजर
फर्स्ट क्या था आपके पास? फेस एंगल ऑफ अननोन सिग्नल, एंड द सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सिग्नल. तो आपको भूलना नहीं है, ये मस्ट है, ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको याद रख के तुरंत आप एबीसीडी में कोई भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जहां पे ये दिया होगा, ठीक है? तो मैं यहां पे फर्स्ट जो लेने वाला हूं पार्ट, यहां पे क्या है? फेस एंगल. फिर इसके बाद जो होगा सेशन, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे किस तरीके से होगा. तो चलिए इस सेशन में स्टार्ट करते हैं फेस एंगल मेजरमेंट, ठीक है? चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक सीआरओ की क्या होगी? एक स्क्रीन होगी. दिस इज योर स्क्रीन ऑफ सीआरओ. ओके, नाउ यहां पे क्या होगा कि अननोन जो सिग्नल जिसकी आपको फेस या फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, आप वाइट टर्मिनल में आप इसको अप्लाई करोगे. मतलब कि यहां पे क्या होगा, अननोन जिस सिग्नल को आपको टेस्ट करना है, ठीक है? अननोन टेस्ट सिग्नल, डन. अब यहां पे दैट इज एक्स टर्मिनल. एक्स टर्मिनल में आप क्या चीज अप्लाई करोगे? यहां पे आप एक रिफरेंस सिग्नल अप्लाई करोगे, और ये रिफरेंस सिग्नल क्या होगा, यहां पे आप खुद जनरेट करके दोगे, ठीक है? मतलब कि ये अननोन रहेगा, लेकिन यहां पे जो आप सिग्नल दे रहे हो ये आपकी नोन रहेगी, क्योंकि इसको आप अप्लाई कर रहे हो. तो यहां पे आप क्या चीज जनरेट करके दोगे सिग्नल? यहां पे आप दोगे रिफरेंस सिग्नल, ठीक है? तो ये आपको पता रहना चाहिए, हमेशा रिफरेंस एक्स में अप्लाई करेंगे और अननोन हमेशा वाई पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो अननोन जो सिग्नल होगा वो वी वाई ऑफ टी से, यहां पे लिख रहा हूं वी वाई ऑफ टी, ये होगा आपके पास वी एम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा, वाई है तो यहां पर भी वाई लिख ले रहा हूं, वाई टी प्लस माइनस फाइव, ठीक है? अननोन टेस्ट सिग्नल का ये फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा वाई, और ये फेस एंगल हो गया फाइव, और ये रिफरेंस एंगल सिग्नल, इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या, वी एक्स ऑफ टी. ये क्या होगा, वी एम मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा एक्स. तो ये आप सिग्नल को जनरेट कर रहे हो, आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है? नाउ फर्स्ट केस मैंने क्या बोला, हमको क्या चीज फाइंड, सॉरी यहां पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि यहां पे आप अननोन टेस्ट सिग्नल प्रोवाइड करोगे और यहां पे आप रिफरेंस सिग्नल प्रोवाइड करोगे. तो इससे क्या होगा कि यहां पे आपको एक फिगर सीआरओ की स्क्रीन पे क्या होगा, यहां पे एक फिगर बनता हुआ आपको यहां पे दिखेगा, या फिर फिगर यहां पे डिस्प्ले होगा. तो इस फिगर को जो डिस्प्ले हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, लिसाजियस फिगर, ठीक है? और इसका सेकेंड नेम क्या है, लिसाजियस पैटर्न, और क्या बोलते हैं इसको, लिसाजियस कर्व, और जो लास्ट है यानी इसको जो एक और नाम से जाना जाता है वो नॉर्मली आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर में उस पर आ रहा हूं, ठीक है? जो इसको इसको ये जो कर्व है यहां पे हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है आपके पास, बोडिच कर्व, ठीक है? तो सर ये क्या है, लिसाजियस है और ये बोडिच है. तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखिए, बोडिच जो है वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? बोडिच क्या थे, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दो सिग्नल को अप्लाई करके यहां पे एक फिगर यहां पे डेवलप किया था, ठीक है? इन दोनों को अप्लाई करने के बाद यहां पे एक फिगर बना था जिसको क्या नाम दिया गया, बोडिच कर, क्योंकि बोडिच क्या थे, साइंटिस्ट थे. तो ये जो थे बोडिच, ये डिस्कवर किए थे किसका, आपके जो फिगर डिस्प्ले हो रहा है उसको, ठीक है? नाउ लेकिन बोडिच का बोडिच में जो थोड़ा डिफॉल्ट ये हुआ था कि वो कंप्लीट एनालिसिस, जो फिगर यहां पे डिस्प्ले हो रहा था उसकी कंप्लीट एनालिसिस वो नहीं कर पाए थे. क्यों? क्योंकि 1815 में बोडिच क्या था, यहां पे जब उन्होंने डिस्कवर किया था तो 1857 में लिसाजियस नाम के एक साइंटिस्ट वहां पे आए थे. तो लिसाजियस ने क्या किया था, उस फिगर का डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब कि उस फिगर से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो वो डिटेल्ड एनालिसिस
किस साइंटिस्ट ने किया था? लिसार्जियस. तो डिस्कवर तो किया था किसने? बोडिच ने. लेकिन ये जो डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाए थे, तो इसलिए बहुत लोग इनको बोडिच नाम से, बोडिच कर्व से नहीं जानते हैं. किस नाम से जानते हैं हम? लिसार्जियस. क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके दिया था. ठीक है, इन्होंने कब बनाया था? बोडिच ने, इन्होंने बनाया था 1815 में. और लिसार्जियस ने इसका डिटेल्ड एनालिसिस कहां पे किया था? 1857 में. तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू है, तो अगर याद रखेंगे तो काफी अच्छी बात है. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? फेस मेजरमेंट फ्रॉम द एक्स वाई मोड. फेस मेजरमेंट फ्रॉम, वेट, फेस मेजरमेंट लिखते हैं. ठीक है, चलिए फेस मेजरमेंट यहां पे हमको करना है. नाउ मैंने आपको दो सिग्नल लिया था, v of y of t वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या था? vmy साइन ओमेगा वाई टी प्लस माइनस फाइव. और vx, x टर्मिनल मैंने क्या अप्लाई किया था? vmx साइन ओमेगा एक्स टी. ठीक है, तो अगर मैं फेस यहां पे मेजर कर रहा हूं तो आपको यहां पे सर्टेन एजम्पशन लेना है. ठीक है, ये आपकी नेसेसरी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आप अपने एनालिसिस को इजी करने के लिए आप यहां पे सर्टेन एजम्पशन कर रहे हैं. तो वो एजम्पशन मैं यहां पे लिखने वाला हूं. ठीक है, एजम्पशन. ठीक है, ये अपने, ये हम अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए यहां पे कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम? वी एम वाई एंड vmx दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो मैं इक्वल ले रहा हूं से v. अंडरस्टूड? से कैपिटल v. डन. नाउ एक और हो गया यहां पे, vy फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नोन सिग्नल शुड बी सेम. तो आपको दो एजम्पशन यहां पे करना है, और इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस को यहां पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं यहां पे कि अगर ओमेगा वाई टी प्लस फाइव है, मतलब कि क्या हो रहा है यहां पे? लीडिंग कर रहा है. ये क्या हो रहा है? प्लस, मतलब कि यहां पे वी वाई लीड कर रहा है किसको? वी एक्स को. ठीक है, मतलब कि कैसे होगा लीड? मतलब कि ये हो गया वी एक्स, यहां पे वी वाई. तो फेज डिफरेंस क्या हो गया यहां पे? फाइव. तो अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज में है, तो जो सबसे पहले आ रहा होगा वो लीड करेगा अपने टेलिंग पॉइंट को. ठीक है, नाउ ये तो हो गया लीडिंग का केस. ठीक है, लैगिंग का केस में क्या होगा? vy यहां पे आ जाएगी आपकी, vy. ठीक है, तो यहां सबसे पहले कौन आ रहा है? यहां पे vx आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? vy. डायरेक्शन क्या है यहां पे? क्लॉकवाइज. तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस फाइव ना होके यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस फाइव. इसी को क्या बोलते हो आप? लेगिंग. अंडरस्टूड? समझ में आ गया. तो मैं यहां पे सिर्फ एक जनरल केस लूंगा लीडिंग का, ताकि एनालिसिस मेरा काफी इजी हो. तो मैं केस ले रहा हूं यहां पे प्लस का. ठीक है, डन. समझ में आ गया. चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे हम लोग फेस मेजरमेंट बाय टेकिंग दी वेरियस केस. तो हम जानते हैं कि फेस जो रहता है वो आपका 0 degree से लेकर 360 तक वेरी कर सकता है, यानी n नंबर ऑफ फेस एंगल यहां पे पॉसिबल है. ठीक है, तो मैं सर्टेन केस लूंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो कंक्लूजन पार्ट है मैं डायरेक्टली उस पर जंप करूंगा. तो फर्स्ट केस में लूंगा 0 degree का, सेकेंड केस लूंगा 45 degree का, एंड लास्ट केस लूंगा आपके पास 90 degree का. ठीक है, फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन पर डायरेक्टली जंप करूंगा. चलिए फर्स्ट केस ले रहा हूं. क्या मेरे पास यहां पे केस फर्स्ट, ये क्या है? व्हेन फाइ इक्वल टू 0 degree. अगर ये वाली केस होगी तो आपके पास वी वाई ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा? वी साइन, क्योंकि यहां पे मैंने एम्पलीट्यूड को सेम रखा है ना, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है, टी प्लस 0 degree. तो लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा. ठीक है, नाउ वी x ऑफ t, ये क्या होगा? v साइन ओमेगा t. ठीक है, यहां पे तो कोई भी वेरिएशन नहीं था, बस दोनों एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने यहां पे सेम रखा है. चलिए आपकी सीआरओ की स्क्रीन को मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ये आपकी सीआरओ की स्क्रीन हो गई. ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे एक
सेंटर लाइन यहां पे हम लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूल, ठीक है। नाउ यहां पे फिर मैंने क्या बताया था आपको, सर्टेन डिवीजन यहां पे करेंगे, ठीक है, वन डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सिमिलरली वन डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये सीआरओ की स्क्रीन हो गई, यहां पे आप वी एक्स ऑफ टी अप्लाई कर रहे हो और यहां पे आप वी वाई ऑफ टी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नाउ इस फंक्शन को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा स्पेस ले रहा हूं यहां पे, दिस इज योर ओमेगा टी या फिर से टी, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये वी वाई ऑफ टी, दिस इज वी वाई ऑफ टी, और ये क्या है, साइनसॉइडल है ना, तो ये साइनसॉइडल मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। सिमिलरली वी एक्स ऑफ टी को भी मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे देखिए, थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं मैं यहां पे बना रहा हूं नीचे में, ठीक है, मैं नीचे बना दे रहा हूं वी एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, वी एक्स एंड वी वाई ऑफ टी, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं v और ओमेगा इसको मैं कुछ वैल्यू यहां पे मैं रख रहा हूं, ताकि मुझे काफी सिंपल हो जाए यहां पे ड्रॉ करने का, या फिर जो मैं टेबल यहां पे भी फ्रेम करूंगा काफी इजी हो जाए। तो मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि v की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 एंड ओमेगा की वैल्यू सर्टेन कुछ भी ले लो से 314 t, तो वी एक्स ऑफ टी ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 sin 314 t, ठीक है। चलिए यहां पे मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं, नाउ ये क्या हो जाएगा यहां पे, ये प्लस 2 हो जाएगा एंड दिस इज योर माइनस 2, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा आपका, ये हो जाएगा प्लस 2 और यहां पे क्या होगा माइनस 2, ये वी एक्स ऑफ टी, ठीक है। नाउ ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आपका ऑकर होगा, यहां पे एट पाई बाई 2, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 में साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो टी क्या निकलेगा यहां पे पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो इसको लिख सकता हूं ना यहां पे पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 314, तो यहां से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी ये टाइम आ रहा होगा वो यहां पे आप पुट कर दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइम को मैं बोल रहा हूं से T1, इनिशियल टाइम को बोल रहा हूं मैं T2, इस टाइम को बोल रहा हूं T0, सॉरी यहां पे T2, दिस इज योर T3 एंड दिस वन इज योर T4, और इसके बाद क्या होगा, साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। ये जितना टाइम इंटरवेल है, ये जितना टाइम इंटरवेल है एग्जैक्टली उसी इंटरवेल में भी क्या लेना है आपको, यहां पे प्लॉट करना है, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा, यानी ये जितना टाइम है इसका से कैपिटल टी, अगर ये कैपिटल टी है तो इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी, क्यों, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, अंडरस्टूड। सेट यहां पे ये भी क्या होगा T0, दिस इज T1, दिस इज T2, T3 एंड लास्ट वन इज योर T4, ठीक है। चलिए होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट होगा ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं आप ड्रॉ करने वाला हूं टेबल को अपने, नाउ यहां पे टाइम ले रहा हूं ठीक है, फिर यहां पे वी एक्स ऑफ टी, हियर वी वाई ऑफ टी एंड नेक्स्ट वन इज योर क्वाड्रेंट, ठीक है। डन, तो टाइम क्या क्या है मेरे पास, टी नोट पे, टी वन पे, टी टू पे, टी थ्री पे एंड टी फोर पे, तो टोटल 5 टाइम मैंने यहां पे एज्यूम किया है, और उसी के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा मैं यहां पे अपने कर्व को सीआरओ स्क्रीन में मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले यहां पे क्या होता है, सीआरओ पे मुझे सेंसिटिविटी उसकी सेट करनी पड़ती है, ठीक है, एक नोब रहता है सीआरओ स्क्रीन पे, वहां सॉरी सीआरओ पे आपको
उस नोब को रोटेट करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेंसिटिविटी यहां पे आप एज्यूम कर लो 1 डिवीजन पर वोल्ट। किसके लिए है ये, वाई टर्मिनल के लिए। सिमिलरली एक्स टर्मिनल के लिए भी आप एज्यूम कर लो सेंसिटिविटी क्या है, 1 डिवीजन पर वोल्ट। यानी 1 वोल्ट के लिए टोटल डिवीजन कितना होना चाहिए आपको, यहां पे 1 डिवीजन आप कंसिडर करोगे। समझ में आ गया, 1 डिवीजन पर वोल्ट मतलब कि 1 वोल्ट के लिए 1 डिवीजन। तो चलिए यहां पे आते हैं, टी नॉट पे Vx की वैल्यू क्या है, यहां पे 0 वोल्ट। सो यहां पे 0, VYP भी क्या होगा, 0। तो क्वाड्रेंट क्या होगा यहां पे, ये दोनों पॉइंट सेंटर पे लाई करेंगे, ठीक है। नाउ T1 पे क्या है, Vx की वैल्यू 2 है, VY की वैल्यू भी प्लस 2 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, ठीक है। T2 पे क्या है, यहां पे Vx की वैल्यू 0 है, ये VY भी 0 है, तो ये भी सेंटर पे लाई करेगा। फिर इसका T3 पे -2 वोल्ट Vx होगा, -2 वोल्ट VY भी होगा, तो ये कहां पे लाई करेंगे, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। डन, समझ में आ रहा है। नाउ T4 आपका कहां पे होगा, Vx ये होगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, और VY भी क्या होगा आपका 0 वोल्ट, मतलब कि सेंटर पे ये फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, यहां पे आपको 1 वोल्ट के लिए आपको कितना डिवीजन चाहिए, 1 डिवीजन, और ये क्या है आपका 1 डिवीजन, 2 डिवीजन और ये 3 डिवीजन, यानी 1, 2 और 3, ठीक है। तो 0 वोल्ट के लिए Vx पे कितना डिवीजन लगेगा, 0 डिवीजन, और VY भी 0 डिवीजन, तो कहां पे लाई करेंगे, एग्जैक्टली यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 2 वोल्ट कहां पे है, Vx पे। तो 1 वोल्ट के लिए 1 डिवीजन, तो 2 वोल्ट के लिए 2 डिवीजन, लेकिन कहां पे, x पे, प्लस 2 है ना, मतलब कि यहां पे लाई करेगा। डन, VY इसके लिए भी 2 डिवीजन, तो दोनों पॉइंट को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। सो दिस इज योर T0, दिस वन इज योर T1, नेक्स्ट इज फिर से आपका सेंटर पे आ रहा है, तो यही पॉइंट क्या होगा आपका, T2, फिर उसके बाद -2 और -2, सो -2 इस साइड आएगा, -2 मतलब कि 2 डिवीजन लगेंगे आपको Vx के लिए, और VY के लिए भी क्या लगेंगे आपको, 2 डिवीजन लगेंगे। तो दोनों को आप क्लब कर दीजिए, जहां पे ज्वाइन होगा वो क्या होगा पॉइंट आपका, T3 पॉइंट होगा। फिर उसके बाद क्या है, T4 भी कहां पे आएगा आपका, फिर से दोबारा सेंटर पे। तो जब आप पूरे लाइन को आप जब आप ज्वाइन कर दोगे, तो आपको फिगर किस तरीके से मिलेगा, T0 से स्टार्ट हुआ था, T1 पे गया, फिर उसके बाद कहां पे आया आपका, T3 पे, फिर T3 से T4 पे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से फिगर बनता हुआ दिखेगा। तो यहां से क्या समझ में आया, इस फिगर से क्या समझ में आया, इस फिगर से यह पता चला कि अगर आपका अननोन टेस्ट सिग्नल का अगर फेस एंगल 0 डिग्री है, तो आपको सीआरओ स्क्रीन पे क्या बनता हुआ दिखेगा, एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनता हुआ दिखेगा, मतलब क्या आपको तुरंत पता चल जाएगा उस वक्त कि अननोन टेस्ट सिग्नल का फेज डिफरेंस क्या है वहां पे, 0, या फिर फेस एंगल क्या है उसका 0 डिग्री। 45 कैसे पता चला आपको, ये टोटल डिवीजन कितना है 5, ये टोटल डिवीजन कितना है 2, से इसको अगर मैं थीटा बोल रहा हूं, से लेट इट बी थीटा, तो ये 10 थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 10 थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, टोटल डिवीजन कितना है 2 डिवाइडेड बाई आपका बेस डिवीजन कितना है 2, तो ये क्या हो गया आपका 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1, मतलब कि 45 डिग्री। सो 45 डिग्री कहां से ये फॉर्म कर रहा है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको याद रखना है हमेशा कि डायगोनल स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज हैविंग अ फेस एंगल ऑफ 0 डिग्री फॉर द अननोन टेस्ट सिग्नल, ठीक है। समझ में आ गया, कोई भी डाउट होगा मुझे तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, यहाँ पे जब फेस डिफरेंस, सेकंड केस जब मैं यहाँ पे लेने वाला हूं, सेकंड केस के लिए फेस डिफरेंस क्या चीज सेलेक्ट करूंगा एज अ 45 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा एनालिसिस या फिर जो पॉइंट होंगे, अभी तो मैंने 4 लिए हैं, अब 5 लिए हैं, अब जो पॉइंट लेने वाला हूं थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा, ताकि मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पे फिगर बनता हुआ दिखे, ठीक है। चलिए, जब फेस एंगल 45 डिग्री है, मतलब कि क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखिए,
यहां पे मैं बना रहा हूं ना, ठीक है? चलिए यहां पे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे आप vx vy of t मैं हमेशा 2 सेलेक्ट करके रखूंगा, ठीक है? इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब कि ये रैंडम वैल्यू है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं 2 अपने इजी के लिए मैं यहां पे प्रोवाइड किया हूं, क्या एंगल मैग्नीट्यूड यहां पे 2 मैंने यहां पे लिया है, ठीक है? साइन ओमेगा टी प्लस 45, पहले था 0 डिग्री इसलिए मैंने लिखा नहीं था, अब क्या है 45 डिग्री, तो मैंने यहां पे लिख दिया। लेकिन vx ऑफ टी में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये एग्जैक्टली वही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कर्व चेंज या फिर ये जो सिग्नल जो जनरेट हो रहा है इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। बस चेंजेस कहां पे करना है आपको, यहां पे करनी है, ठीक है? तो इसको शिफ्ट करेंगे कहां पे, प्लस 45, और प्लस 45 अगर आपको थोड़ा सा सिग्नल का आइडिया होगा, प्लस मतलब क्या होता है आपका एडवांस, माइनस मतलब क्या होता है आपका डिले, मतलब क्या होगा यहां पे, ये जो पहले 0 डिग्री के लिए आपको बना हुआ था इसको आप प्लस 45 डिग्री से एडवांस कर दोगे। समझ में आया? प्लस 45 डिग्री से एडवांस मतलब कि आप इसको टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, लेकिन कितना एंगल लेके आओगे आप, 45 डिग्री, ठीक है? ये टोटल एंगल, ये टोटल कितना था, पाई बाय 2, ये टोटल कितना था, दिस इज योर पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे क्या होगा, साइनसोइडल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। नाउ इसको 45 डिग्री पहले लेके आना, 45 मतलब कि इसका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट, तो इसको आप 45 डिग्री शिफ्ट कर दो पूरे कर्व को, तो क्या होगा, ये कर्व 45 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ध्यान से देखिए, पूरे कर्व को 45 डिग्री से आप शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ठीक से नहीं बना लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि साइन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा बना लूँ, ठीक है? तो आप लोग समझ लीजिए कि ये साइनसॉइडल है। डन, तो ये आपका साइनसॉइडल मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है? तो जब मैं इस कर्व को पूरा हटा रहा हूं, ठीक है, तो आपको क्या चीज कर्व मिलेगा, सिर्फ जो ब्लू कलर से मैंने यहां पे बनाया है आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा फिगर। ठीक है, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो मैं थोड़ा सा यहां पे थोड़ा क्लियर बना दे रहा हूं कर्व, ताकि हमें यहां लिखने में काफी इजी हो जाए, ठीक है? तो एज्यूम कर रहा हूं कि आपको अब कर्व पता चल जाएगा कि प्लस 45 डिग्री का मतलब क्या होता है यहां पे, ठीक है? तो चलिए यहां पे मैं बना दे रहा हूं कर्व, सॉरी नॉट कर, वेव फॉर्म, दिस इज वी वाई ऑफ टी, दिस इज योर टी, 45 डिग्री से मैंने शिफ्ट कराया था ना इसको, दिस इज 2 साइन ओमेगा टी प्लस 45, ठीक है? ये हो गया प्लस 2, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, फिर इसके बाद क्या होगा, ये कर्व अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर एवरी टी इंटरवल, कैपिटल टी इंटरवल, ठीक है? तो यहां पे देखिए, मैं यहां पे सर्टेन पॉइंट लेने वाला हूं टाइम का, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं यहां पे टी नॉट, फिर उसके बाद यहां पे ले रहा हूं मैं टी वन, फिर उसके बाद में ले रहा हूं टी टू, फिर उसके बाद में ले रहा हूं टी थ्री, टी फोर, देन टी फाइव, दिस इज टी फाइव टाइम, दिस इज योर टी सिक्स, नेक्स्ट वन इज योर टी सेवन, दिस इज टी एट, एंड उसके बाद क्या होगा यहां पे, कर्व आपका रिपीट होगा टी नाइन से, ठीक है? टी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, T5, T6, T7, T8 एंड T9 के बाद क्या होगा, यहां पे रिपीट होगा।
तो यहां पे देखिए मैंने क्या चीज किया है, यहां पे ये जो टोटल टाइम है या फिर अपने इजी के लिए मैं यहां पे सेलेक्ट कर ले रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जाएगी अदरवाइज, तो यहां पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ठीक है, यहां पे टाइम दिस इज वी एक्स ऑफ टी, यहां पे वी वाई ऑफ टी, और यहां लास्ट वन इज योर क्वाड्रेंट, ठीक है। टी नॉट, टी वन, दिस इज योर टी टू, से दिस इज योर टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन एंड टी एट, ये ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये जो यहां पे पॉइंट दिख रहा है ये टी वन पॉइंट, यहां पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू है ना प्लस टू की, तो यहां पे देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ओमेगा टी क्या होगी 45 प्लस 45 90, तो जहां पे ओमेगा टी 45 होगा या फिर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो इस टाइम पीरियड को आप क्या बोल रहे हो यहां पे टी वन बोल रहे हो, यही टाइम क्या है आपके पास टी वन, तो हर एक इंटरवल क्या है आपके पास पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई ओमेगा, पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई ओमेगा, इस तरीके से यहां पे चलते हुए जा रहा है। सिमिलरली आपको यहां पर भी सेलेक्ट करना है क्या पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई ओमेगा, से ये पॉइंट जो है आपका ये पॉइंट पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई ओमेगा, मतलब कि ये हो गया टी वन, ये पॉइंट हो गया टी टू, ये पॉइंट हो गया टी थ्री, ये पॉइंट टी फोर, दिस इज योर टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन एंड टी एट, तो टोटल 8 पॉइंट मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया यहां पे। चलिए यहां पे मैं प्लॉट करने वाला हूं टी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन एंड लास्ट इज टी एट, ठीक है। सेंसिटिविटी में मैंने कोई भी चेंज यहां पे नहीं किया है, होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि मैंने यहां पे किस तरीके से इंटरवल यहां पे लिया, ठीक है। तो चलिए एट टी नॉट पे, टी नॉट पे यहां पे क्या है आपका वीएक्स की वैल्यू 0 वोल्ट, देखिए यहां पे मैंने चेंज नहीं किया, सेंसिटिविटी वही रखा है आपने इजीनेस के लिए, ठीक है। तो टी नॉट पे वीएक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो होगी 0 वोल्ट, वीवाई की वैल्यू क्या होगी यहां पे, वीवाई की वैल्यू यहां पे ओमेगा टी की जगह पे या टी की जगह पे 0 रखेंगे, तो जैसे यहां पे 0 रखोगे तो क्या होगा 2 साइन 0 प्लस 45, मतलब कि यहां पे 45, 2 साइन 45 मतलब क्या होता है 2 साइन 45 मतलब क्या होगा 2 इंटू साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास रूट 2, तो ये वैल्यू क्या हो गई रूट 2, रूट 2 मतलब कि 1.414 वोल्ट, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि एक 0 वोल्ट है ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा, डन। नाउ T1 पे कहां पे है Vx की वैल्यू, ठीक है ये पाई बाई 4 है ना T1, मैंने लिखा ना यहां पे T1 इक्वल टू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो T1 की वैल्यू यहां पे पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा मतलब कि यहां पे पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा आपको रूट 2 मतलब कि 1.414 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी T1 पे, ये हो जाएगी प्लस 2 वोल्ट, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ T2 पे Vx की वैल्यू कितना है प्लस 2, और T2 पे Vy की वैल्यू ये हो जाएगी रूट 2 मतलब कि प्लस 1.414, ये भी अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है डन। उसका T3 की वैल्यू क्या होगी Vx पे होगी आपकी रूट 2 1.414 वोल्ट, और ये आपकी क्या हो जाएगी यहां पे T3 पे 0 वोल्ट, तो ये कहां पे लाई करेगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद क्या है T4
T4 पे क्या है आपके पास Vx की वैल्यू, ये हो गई 0 वोल्ट, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहां पे पुट कर दीजिए पाई बाई फोर, मतलब कि कितना हो गया आपके पास पाई बाई फोर, मतलब कि 4 पाई बाई फोर, मतलब कि पाई 2 साइन पाई प्लस 45, मतलब क्या होगा माइनस टू साइन फोर्टी फाइव, मतलब कि माइनस रूट टू, मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा -1.414। तो किस क्वाड्रेंट में आ गई ये, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखिए ये सब इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। चलिए T2 है आपके पास 2π/4 / ओमेगा, T3 है आपके पास 3π/4 / ओमेगा, T4 है आपके पास 4π/4 / ओमेगा, इस तरीके से आपका चल रहा है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे। नाउ T5 कहां है मेरे पास, Vx पे, ये हो जाएगी -√2, मतलब कि -1.414 वोल्ट, और ये वैल्यू हो जाएगी -2 वोल्ट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होगी थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ T6 पे Vx की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 वोल्ट, ये वैल्यू कितनी है आपके पास T6 पे, -√2, यानी -1.414 वोल्ट, ये अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, डन। फिर उसके बाद T7 पे Vx की वैल्यू कितनी है, -√2, -1.414 वोल्ट, और Vy की वैल्यू T7 पे 0 वोल्ट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपकी लाई करेगी, डन। ना उसके बाद T8 पे Vx की वैल्यू कितनी है, वहां पे 0 वोल्ट, और Vy की वैल्यू कितनी है आपके पास, ध्यान से देखिए ये दोनों पॉइंट सेम है, T0 का भी जो वैल्यू है वही T8 के पास भी वही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि उसका साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है मतलब कि ये, सॉरी ये T है ना, यहां से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगी आपकी, Vx पे 0 वोल्ट, एंड यहां पे आपका हो जाएगा +√2, मतलब कि +1.414 वोल्ट, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये पूरे पॉइंट को मैं क्या करने वाला हूं अपने डिस्प्ले पे, ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहां पे मैं प्लॉट करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं ताकि आसानी हो जाए हमें बनाने में, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन, यहां पे फर्स्ट डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन, डन। चलिए अब मैं पॉइंट यहां पे प्लॉट करने वाला हूं, सेंसिटिविटी मैंने चेंज नहीं रखा है, 1 डिवीजन पर वोल्ट ही है। नाउ टी नोट से स्टार्ट हुआ था 0 वोल्ट, 1.414 वोल्ट, ठीक है, एक्स पे 0 वोल्ट यहां पे मिलेगा 1.414, मतलब कि अगर 1 डिवीजन के लिए, सॉरी 1 वोल्ट के लिए 1 डिवीजन है तो 1.414 वोल्ट के लिए कितना डिवीजन होगा, 1.414 डिवीजन। तो ये 1 डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, यहां सेंटर, इन दोनों के सेंटर पे 1.5 होगा, तो से ये पॉइंट जो है आपका 1.414 का डिवीजन है, ठीक है। दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ दिस टू, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ दिस टू, एंड दिस वन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस डिवीजन, ठीक है, ये 1.414 डिवीजन है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, टी नॉट। टी वन पे एक्स पॉजिटिव है एंड वाई भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एक्स के लिए 1.41 डिवीजन और वाई के लिए 2 डिवीजन, तो दोनों को क्लब कर देंगे हम लोग यहां पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, टी वन हो गया। फिर उसके बाद यहां पे 2 डिवीजन और फिर 1.414, ये किसके लिए होगा आपके पास, टी टू के लिए। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, टी थ्री पे y की वैल्यू 0 वोल्ट है और यहां पे 1.414, यानी इस पॉइंट पे दोबारा आ जाओगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ये पॉइंट हो गया आपके पास, दिस इज योर T3। फिर इसका T4 पे क्या है, x पे 0 वोल्ट एंड y नेगेटिव है, तो कहां पे लाई करेगा, यहां पे, दिस इज योर T4 पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है, T5, दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, -1.414 कहां पे, यहां पे लाई करेगा और 2 वोल्ट यहां पे लाई करेगा, तो दोनों पॉइंट को आप क्लब कर दीजिए, दिस इज योर T5। नेक्स्ट इज T6, यानी 2 डिवीजन एंड -1.414 डिवीजन,
ठीक है, दिस इज योर T6 पॉइंट, उसका T7 कहां है आपके पास, -1.414, फिर 0 वोल्ट यानी नेगेटिव x एक्सिस, कहां पर लाई करेगा आपका, यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज योर T7 पॉइंट। फिर इसका जो लास्ट पॉइंट आपके पास है वो T8 का, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका कर्व जो बनेगा वो किस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, टी नॉट से आपने स्टार्ट किया, कहां पे गए हो आप, फिर T1 पे गए, फिर उसके बाद T2 पे, फिर उसके बाद T3 पे, फिर उसके बाद T4 पे, T5 पे, T6 पे, T7 पे एंड T8 पे। ठीक है, तो आपका कर्व एग्जैक्टली इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जब फेस डिफरेंस 45 डिग्री होगा तब आपका सीआरओ में क्या डिस्प्ले होगा, कुछ इस तरीके का फिगर। तो अगर आप थोड़ा सा यानी मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अच्छा आइडिया अगर रखते होगे तो आपको ये एलिप्स की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। एलिप्स में क्या होता है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ठीक है। मेजर एक्सिस मतलब कि जो लेंथ मैक्सिमम है, डायगोनल लेंथ मैक्सिमम है उसको आप मेजर एक्सिस बोलोगे, और जो मिनिमम है उसको क्या बोलोगे आप, माइनर एक्सिस। तो यहां पे मेजर एक्सिस क्या हो गया, यहां पे दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड माइनर मतलब कि डायगोनल में लीजिए सेंटर से, तो दिस इज माइनर एक्सिस, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग रीड जो करते हैं इसको किस तरीके से करते हैं, इफ द एलिप्स इज मेकिंग सॉरी इफ द एलिप्स इज हैविंग मेजर एक्सिस इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट देन द फेस एंगल फॉर द अननोन टेस्ट सिग्नल इज 45 डिग्री, समझ में आ गया। अगर एलिप्स अगर आपका फॉर्म कर रहा है और उसका मेजर एक्सिस फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फेस एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, लेकिन मैंडेटरी क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मेजर एक्सिस होगा तो फेस डिफरेंस क्या होगा उसका 45, या फिर फेस एंगल क्या होगा 45 डिग्री, समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से अपने, अगर आपको याद नहीं एग्जाम में अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको इसी तरीके से मेथड पे आपको अप्लाई करके ये पूरा जो है आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए बोला जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो आप जितना भी एनालिसिस जो आपने पढ़ा है या फिर जो भी बुक में लिखा हुआ है तो उसका ऑब्जर्वेशन आप करें। ऑब्जर्वेशन करने से क्या होता है, एनालिसिस काफी इजी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट क्या है, बस कि आपको एलिप्स देखना है, डायरेक्शन देखना है, और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा मेजर एक्सिस तो फेस एंगल क्या होगा उसका 45 डिग्री। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे आप इसको आसानी से, यानी जब आप खुद से बनाना चाहते होगे तो आप इजिली इसको हैंडल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो मेरे पास थर्ड केस होगा, थर्ड केस वो मैं लेने वाला हूं 90 डिग्री का। तो तुरंत आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, यानी n नंबर ऑफ फेस एंगल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो क्या सर मुझे सब के लिए यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा इस तरीके से, या फिर मुझे n नंबर ऑफ यहाँ पे लिसाजियस फिगर को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा? तो आंसर क्या होगा आपका, नहीं, समझ में आ गया। आपको n नंबर ऑफ फिगर याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब कि क्या है कि अगर डायगोनल बन रहा था, डायगोनल अगर आपका बन रहा था तो आप क्या बोलोगे वहां पे, फेस एंगल 0 डिग्री। अगर आपका एलिप्स बन रहा है तो फेस एंगल क्या बोलोगे आप, 45 डिग्री। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है कि आपको लिसाजियस फिगर मिले, तो सबके लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, कौन, लिसाजियस ने, उन्होंने एक फॉर्मूला आपको दिया, उस फॉर्मूले से हम फाइंड करके देखते हैं कि क्या अगर हमारे पास लिसाजियस पैटर्न है तो क्या मैं वहां से फेस एंगल फाइंड कर सकता हूं। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ पे ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूले को, फाई ये क्या है, फेस डिफरेंस किसका, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी यही फाई फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास। कैसे होगा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, एक्स इंटरनल डिवाइडेड बाय एक्स एक्सटर्नल, ठीक है। इसी को हम लोग एक और फॉर्मूले से जानते हैं, क्या, वो साइन इनवर्स ऑफ वाई इंटरनल डिवाइडेड बाय वाई एक्सटर्नल, ठीक है। Now, अब x इंटरनल और x एक्सटर्नल क्या है, तो उसके लिए हम इस फिगर पे आ रहे हैं, ठीक है, इस फिगर पे आ रहे हैं। तो x
एक्स इंटरनल का मतलब क्या होगा कि इंटरसेप्शन ऑफ योर लिसाजियस कर्व विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आ गया? यानी जो ये कर्व बन रहा है जहां पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उस डिस्टेंस को आपको यहां पे मेजर करना है, यानी ओरिजिन से उस डिस्टेंस को मेजर करोगे। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है अप टू T3 तक, ये क्या है आपके पास? एक्स इंटरनल। समझ में आ गया? कोई डाउट तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। अब जो एक्स एक्सटर्नल है वो क्या है? सेंटर से लेकर जो मैक्सिमम जो होगा इसका लेंथ, या फिर जो मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा फ्रॉम द सेंटर, उसको क्या बोलोगे आप? एक्स एक्सटर्नल। तो ये क्या है? इसका मैक्सिमम लेंथ है यहां पे। ये क्या है? मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स एक्सटर्नल। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर आप वाई वाई के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो ये जो पॉइंट है दिस इज योर वाई इंटरनल एंड दिस वन इज योर वाई एक्सटर्नल, क्योंकि दोनों क्या है? With respect to origin, symmetrical. ये curve क्या है? With respect to origin, symmetrical है। तो आप x की value को लो या फिर y की value को लो, दोनों क्या होंगे यहाँ पे? Same होंगे। तो चलिए find करके देखते हैं, यानी इस value को यहाँ पे put करके देखते हैं कि हमें face angle 45 degree मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। So phi equal to क्या हो जाएगा? Sin inverse of, पहले मैं x की value को ले रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं x की value को ले रहा हूँ। x internal कितना है ये point? 1.414 whole divided by x एक्सटर्नल कितना है? मैक्सिमम लेंथ कितना था? ये 2 था ना, तो यहां पे हो गया 2। तो 1.414 इसको क्या बोले थे आप? रूट 2। ये क्या आपके पास? रूट 2, साइन इनवर्स ऑफ रूट 2 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2 ये कितना होता है आपके पास? दिस इज योर phi इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप इस तरीके से, अगर आपको एग्जाम में यही फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये फिगर आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली x इंटरसेप्ट और x एक्सटर्नल से आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप y का यूज करना चाहते हो तो y इंटरनल ये कितना है? 1.414 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको एग्जैक्टली वही आंसर मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास मस्ट है, अगर ये फॉर्मूला भूले तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले को नहीं भूलना है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तुरंत मुझसे आप प्लीज पूछ लीजिए। अदरवाइज बोर्ड रब करके फिर दोबारा अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुछ भी डाउट हो तुरंत मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ज़ूम कर रहा हूं कि आपका पूरा समझ में यहाँ पे आया होगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है आपका जो कंक्लूजन पार्ट है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको लिखने वाला हूं, ठीक है। तो जो कंक्लूजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। केस थर्ड दैट इज फॉर फेस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वो आप बना के देख लीजिएगा, काफी ईजी है, वो इजिली बन जाएगा आपको, ठीक है। जो मतलब कि जो कन्वेंशनल मेथड था वो आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए डायरेक्टली यहां पे मैं जो कंक्लूजन है वो मैं यहां पे लिखने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस 180 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ठीक है। ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो सो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस 360 डिग्री। ये कब होगा, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जा रहे हो, ठीक है। नाउ यहां पे जो फिगर बन रहा है, ठीक है, यहां पे जो फिगर बन रहा है उस पे जो फेस एंगल क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो इस फिगर को मैं बोल रहा हूं क्या, आपका ये एक बेसिक फिगर होगा, ठीक है, ये आपका एक बेसिक फिगर होगा। तो फेस एंगल जब भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो बेसिक फिगर का जो डायरेक्शन रहेगा, जो रोटेशन जो मैंने बनाया था ना, अगर आपको ध्यान होगा तो एरो से मैंने आपको बनाया था, तो यहां पे जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, ये आपका होगा क्लॉक वाइज, ये कभी भी चेंज आपका नहीं होगा। तो ये आपकी एक बेसिक फिगर, बेसिक फिगर मतलब कि डायगोनल स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, एलिप्स कब, जब फेस एंगल 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री आपको क्या बना के देगा, सर्कल, डायरेक्शन क्या होगा उसका, क्लॉक वाइज, तो उसको आप बेसिक फिगर बोल रहे हो, ठीक है। नाउ अगर फेस एंगल 90 डिग्री से 180 के बीच में है तो जो बेसिक फिगर आप बना लो, ठीक है, आप बेसिक फिगर बना लो, बेसिक फिगर का क्या चीज ले लो आप, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ बेसिक फिगर, ठीक है। लेकिन यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे डायरेक्शन सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन, समझ में आ गया। यानी अगर ये क्लॉक वाइज है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, क्लॉक वाइज। नाउ मिरर इमेज का मतलब क्या है, यहां पे देखिए, अगर ये आपका इस तरीके से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इसका फेस एंगल है, ये आप बेसिक फिगर बोल रहे हो, डायरेक्शन क्यों क्या है इसका, क्लॉक वाइज है। नाउ मिरर इमेज मतलब कि अगर आप यहां पे एक मिरर रखोगे तो मिरर में आपको जस्ट इसका अपोजिट बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से, लेकिन डायरेक्शन आपको सेम रखना है। ये नहीं बोल देना कि सर मिरर इमेज रख रहे हैं तो एरो का भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ फिगर का डायरेक्शन आप, सॉरी फिगर को आपको मिरर करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे उसको मिरर कर दिया, उसका मतलब आपका यही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। नाउ अगर फेस एंगल 180 डिग्री से 270 के बीच में है, समझ आ रहा, फाई की बात कर रहा हूं, 180 डिग्री से 270 के बीच में है, तो मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ बेसिक फिगर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे डायरेक्शन होगा अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि मिरर इमेज तो यही रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब इस केस के लिए अगर फेस एंगल 180 से 90 डिग्री 180 से 270 के बीच में होगा तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इस तरीके का यहां पे फिगर मिलेगा। नाउ यहां पे अगर फेस एंगल 270 से 360 के बीच में है, यानी फाई की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो आपको ये जो फिगर मिलेगा यहां पे सीआरओ के स्क्रीन पे जो फिगर मिलेगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली बेसिक फिगर ही होगा, वो एग्जैक्टली क्या होगा, बेसिक फिगर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा यहां पे, अपोजिट, डन, समझ में आ गया। तो ये चीज जो है आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है, तो आपको इसको याद रखना है, बेसिक फिगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज और डायरेक्शन आपको जज करना है कि फेस एंगल क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कुछ और जो कंक्लूजन पार्ट है मैं यहां पे आपको फिर से बना के दे दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर फेस एंगल 0 डिग्री था तो आपका इस तरीके का लिसाजेस फिगर आपको बना था, ठीक है। नाउ जब फेस एंगल 45 डिग्री था तो लिसाजेस फिगर आपका कुछ इस तरीके से मिला था, डायरेक्शन क्या होगा हमेशा, क्लॉकवाइज। नाउ जब फेस एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो आपको फिगर कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, कब, जब फेस एंगल क्या होगा 90 डिग्री और डायरेक्शन क्या होगा हमेशा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। नाउ जब फेस एंगल आपका से 135 मतलब कि 90 से 180 के बीच में ना, सो 135, तो इस बेसिक फिगर का मिरर इमेज ले लीजिए, तो आपने मिरर इमेज यहां पे बना दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि इसका क्लॉकवाइज है, तो इसको भी आप क्लॉकवाइज, ये किसके लिए आपने बनाया है, 135 डिग्री के लिए, ये किसके लिए है आपका, 45 डिग्री के लिए, ये किसके लिए है, 0 डिग्री फेस एंगल के लिए, किसके लिए, 90 डिग्री फेस एंगल के लिए, ये 135 डिग्री एंगल के लिए, ये आप और कैसे फाइंड कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 45, यानी आप बेसिक को फाइंड कर लीजिए, उसको
सबट्रैक्ट कर दीजिए किससे, 180 से, तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। नाउ अगर फेस एंगल 180 डिग्री है तो आपको डायगोनल स्ट्रेट लाइन लेकिन अपोजिट, इसका मिरर इमेज आप बनाओगे, ठीक है। ये किसके लिए आपने बनाया, 180 डिग्री के लिए। नाउ अगर यहां पे है तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज बनाओगे बेसिक फिगर का कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, वो क्लॉकवाइज है तो यहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज। सो वो 45 है तो 180 प्लस 45 मतलब कि 225 डिग्री, क्योंकि फेस एंगल 180 से 270 के बीच में है। नाउ अगर फेस एंगल 270 डिग्री है तो ये सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा क्योंकि बेसिक फिगर का आपको यहां पे मिरर इमेज लेना है ना, तो इसका मिरर इमेज लोगे तो सर्कल ही बनेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ अगर फेस एंगल 270 से 360 के बीच में है तो बेसिक फिगर ही आप बनाओगे, यानी अगर ये आपको बना हुआ है फिगर तो आप एग्जैक्टली वही फिगर बनाओगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उस वक्त आपका, अपोजिट, क्लॉकवाइज है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। और ये फेस एंगल क्या होगा इसका, 270 प्लस 45, ठीक है। लेकिन ये गलत है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 360 माइनस 45, तो ये कितना होगा, 315 डिग्री। तो यहां पे 180 से प्लस करना है हमेशा आपको, यहां पे क्या करना है हमेशा, अगर फेस एंगल इसके बीच में है तो ध्यान से देखिए, अगर फेस एंगल 180 से 90 के बीच में है तो आपको क्या करना है, 180 माइनस 5 बेसिक फिगर, यानी इसका फेस एंगल अगर 5 है तो आपको 180 माइनस 5 तो आपको ये एंगल मिल जाएगी। नाउ अगर यहां पे एंगल लाई कर रहा है तो आपको 180 प्लस 5 करना है, ठीक है। अगर यहां पे लाई कर रहा है तो आपको 360 डिग्री माइनस 5, अगर यहां पे लाई कर रहा है तो 360 डिग्री प्लस 5। तो यहां पे आपको बस जो याद रखने वाली चीज क्या है कि आपको एक बेसिक फिगर, आपको एक बेसिक फिगर का सिर्फ आपको फेस एंगल फाइंड करना है और उसके रेस्पेक्ट पे आप 180 माइनस करिए या 180 प्लस करिए या 360 प्लस करिए या 360 माइनस करिए, तो आप उसके रेस्पेक्ट में आप यहां पे अपने फेस एंगल या फिर अननोन जो सिग्नल है उसके फेस एंगल को आप इजिली यहां पे फाइंड कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज तुरंत पूछ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूं, तो उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा तो उस क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि वो पूरी डाउट आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको मैं वहां पे रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। अदरवाइज इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अपलोड होने के बाद, तो आई गारंटी यू कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट आपको नहीं रहेगा। चलिए, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द फेस एंगल फॉर द लिसाजियस फिगर शोन, ठीक है। तो आपका लिसाजियस फिगर फर्स्ट केस के लिए कुछ इस तरीके से, सेकेंड केस के लिए, ठीक है, थर्ड केस के लिए, ठीक है। तो आपको फेस एंगल फाइंड करना है फॉर द लिसाजियस फिगर शोन, तो आपको लिसाजियस फिगर कुछ इस तरीके से दिया गया है, आपको इसका फेस एंगल यहां पे फाइंड करना है। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा फिर इसका सेकंड एंड थर्ड को हम लोग लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको तुरंत, यानी फर्स्ट पार्ट जो यहां पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देख के आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या, सबसे पहला
डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर डायरेक्शन क्या है इसका, क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन क्या है इसका, यहां पे क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या है कि फेस एंगल उसका क्या होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ही फेस एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से 90 और 90 से 180। समझ में आ गया? तो क्लॉकवाइज मतलब कि 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। नाउ यहां पे देखिए, ये जो फिगर यहां पे बना हुआ है ये क्या है, आपका एक मिरर इमेज की तरह आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक फिगर रहता है वो हमेशा क्या, वो हमेशा कहां पे बनता है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी जो मेजर एक्सिस रहता है वो कहां पे लाई करता है, हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस फिगर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा यहां पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके सेंटर से एक्सिस बनाऊं, सीआरओ का स्क्रीन का जो मैं एक्सिस बनाऊं, तो इसका मेजर एक्सिस कहां कहां लाई कर रहा है आपका, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब कि ये आपका एक बेसिक फिगर नहीं है, तो ये एक बेसिक फिगर का क्या बना हुआ है, मिरर इमेज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बेसिक फिगर अगर मैं फाइंड कर लूं, बेसिक फिगर अगर मैं फाइंड कर लूं, तो 180 में अगर मैं -5 कर दूं तो मुझे इसका एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फिगर का जो फेस एंगल है से, बेसिक फिगर का जो फेस एंगल है फाइ, वो मैं मान लेता हूं 45 डिग्री है। तो बेसिक फिगर अगर 45 डिग्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका फेस एंगल फाइ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए ले रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस फाइ ऑफ बेसिक फिगर। सो 180 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, 135। तो इस डायरेक्शन को देख के मुझे पता चल गया था कि एंगल कहां से कहां लाइक करेगा, ठीक है। यहां पे देखिए, ये डायरेक्शन क्या है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि फेस एंगल हमेशा 180 से 360 के बीच में ही लाइक करेगा। तो अगर बेसिक फिगर का 45 है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, फाइव होगा 180 प्लस फाइव ऑफ बेसिक फिगर। तो ये क्या हो जाएगा, 180 प्लस 45, तो ये कितना हो गया आपका, 225। डन। यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ड्रॉ करके देख लीजिए, यहां पे सेंटर से फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये एक बेसिक फिगर ही बना हुआ है। लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन क्या है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है मतलब कि 180 से 360 के बीच में होगा, लेकिन अगर ये बेसिक फिगर ही बना हुआ है तो इसका फेस एंगल क्या होगा, फेस एंगल 360 माइनस फाइव ऑफ बेसिक फिगर। तो 360 माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। तो ये आपका एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको दिया गया था, सिर्फ मेरे ख्याल से ये फिगर या फिर ये फिगर को दोनों में से कोई एक फिगर आपको दिया गया था, जहां पे बेसिक फिगर की फेस एंगल आपको बता दी गई थी और आपको ये फाइंड करना था। तो हार्डली टू हार्डली 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, यानी अगर आपको बेसिक आइडिया या थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन आपका काफी क्विक होगा तो ये 5 सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए था, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज तुरंत पूछ लीजिए अभी। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पे कि जो भी पॉइंट मैंने यहां पे आपको बताया था वो आपको ए टू जेड पूरा पॉइंट यहां पे क्लियर हो चुका होगा। अगर अगर इसमें अभी भी डाउट होगा तो मैंने जैसा बोला था कि कमेंट बॉक्स में या फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, हम वहां पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इनकेस अगर आपको डाउट होगा, ठीक है। तो यहां पे हम अपने इस सेशन को सम अप कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है अपने अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरआरबी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप अपने पीक पे अपने प्रिपरेशन लेवल को रखे होंगे, क्योंकि हार्डवर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको गुड विश करना चाह रहा हूं कि आप अपने प्रिपरेशन लेवल को पीक पे रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपने लेक्चर को या फिर इस सेशन को सम अप कर रहे हैं। चलिए, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू।